वसई नाला सुपारा क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 की टीम ने सराय में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो अपनी अय्याशी के लिए करता है चोरी। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी कार चोरी करते हुए एक्सीडेंट के कारण पकड़ा गया। लाखों रुपयों की गाड़ियां मिली है। न्यू लिंक रोड पर फाइव ब्रिकेट के पास रहने वाले दीपक मदन लाल शाह 45 वर्षीय का मोटर ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय है। 31 अगस्त को नौमीनाथ नगर अछोले रोड पर सड़क के किनारे खड़ी उनकी 1.5 लाख रुपए की कार चोरी होने की सूचना मिली। अछोले से चोरी हुई वैगनर कार की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कार श्रीराम नगर में दुर्घटनाग्रस्त पाई गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन चालक के आसपास जांच करने पर पता चला कि आरोपी के माथे पर चोट लगी है। चूंकि आरोपी के इलाज के लिए दुर्घटना स्थल पर जाने की संभावना है, अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि उसने साई अस्पताल धानीबाग में चिकित्सा उपचार प्राप्त किया है। क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और शादाब उर्फ बाबा उर्फ तावड़े नौशाद शेख 23 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद उसे अपराधों में शामिल पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच के बाद कमिश्नरेट में वाहन चोरी के कुल 14 मामले हैं। घर में चोरी का एक मामला, मोबाइल फोन चोरी का एक मामला और अन्य चोरी का एक मामला और मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के 3 मामले सामने आए हैं। अपराधों में 12 स्कूटी और बाइक शामिल है, 2 कार भी शामिल है। 5,94,500 रुपए कीमत के 4 मोबाइल फोन और एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला हैंड वॉइस और चाबियों का गुच्छा जब्त किया गया है। के अंदर दीपक शाह नाम के एक व्यक्ति न्यू लिंक रोड में रहते हैं। 31 तारीख से 1 तारीख तक उनकी सिल्वर कलर की वैगनर किसी अज्ञात अनजान आदमी ने चोरी हो गई, ऐसा उनको पता चलने के बाद में उन्होंने अचोले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। उसके तहत 423/2023 के तहत 379 IPC के तहत गुना दर्ज हो गया। इस गुना का पहले इन्वेस्टिगेशन हमारे क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 की टीम कर रही थी, जिसमें हमारे PI रनवरे साहब, API कामले साहब और उनकी पूरी टीम इसमें जुड़ी हुई थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि CCTV फुटेजेस और बाकी एविडेंस हम लोग निकाल रहे थे, उसमें पता चला कि 4 तारीख को यही वैगनर का एक एक्सीडेंट हुआ है नाला सोपारा श्रीराम नगर के एरिया में, और वो गाड़ी वहाँ पे जो श्रीराम नगर के वहाँ के एक चौक में वहाँ पे खड़ी है, ऐसा पता चल गया। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई। 5 तारीख को उन्होंने पूरे तहकीकात की तो पता चला कि 4 तारीख को रात को ये गाड़ी जो लाइट का पोल रहता है उसको हिट होके वो गाड़ी वहाँ पे 4 तारीख की रात से वहाँ पे पड़ी हुई। उसके बाद में हमारी टीम ने पूछताछ चालू की, आजू बाजू के वहाँ के जो लोगों से पूछताछ करना चालू किया, और 6 तारीख को हमने जो अक्यूज था शादाब उर्फ बाबा नौशाद शेख, वो जब दवाई लेने के लिए साई हॉस्पिटल पहुंचा तब हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको अरेस्ट कर लिया। ये जो शादाब उर्फ नौशाद शेख है ये रहने वाला कुरला का है और अभी इसके रिलेटिव्स के पास में यहाँ पे वसई विरार में रहने को आया है, इसने इंफॉर्मेशन दी। इंट्रोगेशन में हमने उसके पास से पूरा पूछताछ कर किया और उसके बाद में हमने अभी तक 2 फोर व्हीलर्स, 12 बाइक, 4 मोबाइल, इतना अभी तक हमने उसके पास से बरामद किया है। इसमें करीबन वसई विरार के एरिया में के 14 गुने डिटेक्ट हुए हैं, उसमें व्हीकल थेफ्ट के 11 गुने हैं, घरफोड़ी हाउस ब्रेकिंग का 1 है, मोबाइल चोरी का 1 है और 1 अलग चोरी का, ऐसे करीबन 14 गुने हमने अभी तक डिटेक्ट किए हैं। सर, ये गाड़ी चोरी करता था उसका किस तरह से इस्तेमाल करता था? गाड़ी चुराता था, उसने एक जो चाबी बनाने वाला एक दुकान है उसका दुकान पहले उसने शटर तोड़ के उसका जो सामान चोरी किया था, उसके बाद में वो चाबी लगा के डुप्लीकेट चाबी लगा के वो बाइक्स या फोर व्हीलर चोरी करता था। जैसे ही उसमें का पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता था वो गाड़ी फेंक के दूसरी गाड़ी चोरी करता था। सर, इसके लिए कोई उसका मोटरसाइकिल था कि कैसे रेकी करता था? आपको बताया ना मैंने कि उसने वो डुप्लीकेट चाबी बना के जो गाड़ी अवेलेबल दिख गई उसको मिल गई, वो गाड़ी चुरा के
पेट्रोल खत्म होते तक यूज करता था, उसके बाद में वो गाड़ी फेंक देता था। इसका एज ग्रुप क्या है किस हिसाब से? ये 23 साल का है, इसके ऊपर पुराने 9 गुने दाखिल है मुंबई के एरिया में, कुर्ला पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुने दर्ज है, और ये यही मोटरसाइकिल चोरी के गुने। अभी तक तो उसमें सिर्फ एक ही बंदे का इन्वॉल्वमेंट पता चला है, इसके बाद में और कोई इसके साथीदार है क्या है वो अभी हमने पुलिस कस्टडी ली है, पुलिस कस्टडी में आगे की जांच हम लोग करेंगे। किस तरह की गाड़ियों को टारगेट करते थे, मतलब पार्किंग में या कैसी गाड़ियों को कैसे उठाते? आपको बोला मैंने वैगन आर है, करीबन 12 टू व्हीलर्स है, तो वी सोसाइटी के बाहर में जो गाड़ी पार्क होते हैं या कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के यहाँ पे या मार्केट के प्लेसेस में, वो गाड़ियों को चुरा के लेके जाते हैं।